अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आईएसआई एजेंट तहसीन को शामली से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश मेरठ यूनिट एसटीएफ ने की है। शामली निवासी आरोपी तहसीन कई महीनों से फरार चल रहा था। उसने पाकिस्तान में बैठे आकाओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई थी। अभियुक्त तहसीन ने पूछताछ में बताया कि वह और उसका भाई कलीम पाकिस्तान आते जाते रहते थे, जहां इनकी पहचान आईएसआई के कुछ हैंडलर से हुई थी, जिनके द्वारा इन दोनों को पैसे का लालच दिया गया था। इन दोनों को भारत में अराजकता, दंगे और विध्वंस फैलाने के लिए असलाह, गोला बारूद तथा पैसे भी दिए गए थे। गिरफ्तार अभियुक्त तहसीन ने बताया कि इसके लिए इन दोनों भाइयों ने फर्जी सिम प्राप्त की थी और व्हाट्सएप से पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट दिलशाद उर्फ मिर्जा से संपर्क कर संवेदनशील सूचनाएं भेजी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के कानून एवं व्यवस्था के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार में जानकारी दी। डीजीपी के निर्देश पे तथा शासन के निर्देश पे केवल अयोध्या जनपद में 10,000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और अयोध्या नगरी में जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं वो काफी मॉडर्न है और ऐसी सुविधाएं से लैस होंगे जिससे कि पुलिस के कार्यों में मदद मिले। कोई एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है? ड्रोन रिवर की सिक्योरिटी सभी चीजें सुनिश्चित कराई जाएंगी। वहां तथा आसपास के जनपदों में रहने वाले सभी लोगों से ये लगातार समन्वय बना के ये प्रयास किया जा रहा है कि अयोध्या के इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जाए और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए सभी एजेंसियों के आपसी समन्वय से कार्यक्रम चल रहा है। शासन, आपने देखा होगा, शासन स्तर से तथा डीजीपी के स्तर से लगातार वरिष्ठ अधिकारी वहां भ्रमण कर रहे हैं और वहां के चीजों का जायजा ले रहे हैं। फरार आईएसआई एजेंट तहसीन की गिरफ्तारी के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व इसे सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है।